नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और मैं हरदा के टेमा गांव में हूँ। जब चलने को हुआ तो कुछ किसानों ने मुझे भावांतर के बारे में भी बताया। भावांतर के बारे में मैंने सवाल इसलिए नहीं किए थे क्योंकि जो सत्ता पक्ष है और जो गवर्नमेंट है वो खुद ये कहती है कि इस योजना में कुछ कमियाँ रह गई, लेकिन जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भावांतर का गेम किस तरह से चलता है, तो मेरी दिलचस्पी उसमें हुई। और मैं चाहता हूँ कि बाकी सब लोग जो हरदा से बाहर के हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, वो भी जाने कि एक वक्त जो फ्लैगशिप स्कीम होने वाली थी शिवराज सरकार की, भावांतर, वो कैसे फ्लॉप हुई है और उसमें क्या खेल चलता है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो भावांतर को ख़त्म करेंगे, उसके जगह जो MSP था, न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसको वापस लेकर के आएंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। अच्छा, आप भी किसान हैं? जी। हाँ, आप जो पहले बता रहे थे कि भावांतर को कैसे इन लोगों ने फिक्स कर लिया व्यापारी के साथ मिलकर, वो क्या खेल है? होता क्या सर, जैसे मक्का पे भावांतर है 1375 रुपये के आसपास, ठीक है, कुंटल पे 1765 रुपये, तो होता क्या है 500 रुपये कुंटल सरकार दे रही है हमको। तो ये क्या व्यापारी लोग करते हैं कि 500 रुपये कम करके ही बोली स्टार्ट करते हैं हमसे। अच्छा, उनको पहले से पता है। हाँ, तो उतना क्या हमको भावांतर मिल जाता और उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। हाँ, मतलब वो उनके लिए एक तरह से फोकट का है क्योंकि उनको पहले से पता है कि वहाँ से तो आना ही है, तो वो बोली ऊपर लगाते ही नहीं। 800 रुपये से स्टार्ट होती है बोली और 1100-1200 रुपये में तोड़ कर देते हैं उसका। अच्छा, और ऐसे ही है। और मक्का में क्या हमको 28-29 कुंटल पर हेक्टर का दिया है हमको, तो 29 कुंटल तो वो खरीद लेंगे, बाकी जो बचेगी वो 1000-1100 रुपये में बेचना पड़ेगा हमको। जो उत्पादन ज़्यादा होता है फिर उसको हमको कम दाम में बेचना पड़ता है, उसका भावांतर का कोई फायदा नहीं मिलता। तो वो जो भावांतर का पैसा 500 रुपया दिया तो वो जो अधिक उत्पादन हुआ उसमें लॉस हो जाता है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि MSP रहे या भावांतर रहे? MSP रहना चाहिए सर। ठीक है, मतलब आप लोगों को भावांतर के आने से फायदे की जगह नुकसान हुआ। उड़द भी पिछले साल हमने 5400 रुपये पर कुंटल का जो MSP था और हमने उड़द बेची है 2200 रुपये कुंटल में, जो 2280 रुपये हमारे खाते में आए हैं, तो 2300 रुपये उनने कम करके ही खरीदी हमसे उड़द। और खरीदी 2 कुंटल थी सर, और हमारा उत्पादन 5 कुंटल हुआ था, तो 3 कुंटल पे तो हमको ऑलरेडी 3000 का नुकसान हुआ और इनने 2 कुंटल पे 2250 रुपये दे दिए, तो और उल्टा 2250 का वैसे लगाएं तो नुकसान ही है 1 कुंटल का, क्योंकि 3 कुंटल तो हमको 2000 में ही बेचना पड़ी थी। और जब MSP होता है तो क्या सारी उसमें भी MSP में भी एक रकबे का तो होता है ना मेरे ख्याल की? हम चाहते हैं सर कि माल आप ग्रेडेड लो हमसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी MSP पे लो और जितना माल पैदा हो रहा उतना पूरा लो हमसे। अच्छा, अभी फिलहाल उसका क्योंकि रकबा फिक्स है कि MSP पे आप इतना खरीदते हैं। ठीक है, और कोई समस्या जो आप लोगों की? अच्छा, एक आप लोगों के इसमें आता है, खाते में पैसा आता है, ठीक है, आप लोगों की, आप लोग तो खाते में आता है वो भी आपके जेब में है और नकदी आएगी वो भी जेब में। आपको, आप पहले बोल रहे थे आपको खाते में आने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? खाते में आने में इसलिए दिक्कत है कि अगर जैसे आज माल बिका है तो 8 दिन के अंदर पेमेंट आएगा, हमको तो शुरू से लेके अभी तक खर्चे ही खर्चा लग रहा है, उधर डीजल ले या ट्रैक्टर लेके जाना तो 1000-2000 रुपये जेब में पहले रख के ले जाना पड़ेगा घर से। लेबर भी लगते हैं, DAP यूरिया हर चीज़ में तो खर्चा आता है किसान को, तुरंत लगता है, ये सब नगद में खरीदना पड़ता है और तुरंत पैसे देने पड़ते हैं, इनकी कोई क्रेडिट नहीं होती किसान के। बीच का 8 या 10 दिन का टाइम है, इसमें फिर अपना काम कैसे चलता है जब अपना पैसे नहीं रहता? वो सब आपसी सामंजस्य बैठा काम करना पड़ता है, जिनके पास ताकत है वो सामंजस्य बिठा लेते, नहीं तो फिर लेना पड़ता होगा। नहीं, लेना पड़ता, ठीक है, या फिर लेट करना पड़ता है काम को। अच्छा, जैसे बोनी आज करनी है तो 8 दिन बात करेंगे, इसी पैसा आएगा। ठीक है, ये है भावांतर का गेम जो हरदा और उसके आसपास के जिलों में। चल, मंडी कौन सी लगती है यहाँ पे? टिमरनी हरदा, ये टिमरनी मंडी का गेम चल रहा है। ठीक है, मनोज के साथ मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।